नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की बिहार सरकार की तरफ से राशन कार्ड के रिगार्डिंग सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि जो है बिहार सरकार ने बहुत ही बड़ा जो है यहां पर फैसला लिया है कि यहां पर जो है बिहार के सभी ग्राम पंचायत प्रखंड स्तर पर जो है यहाँ पर सभी ग्राम पंचायत प्रखंड स्तर पर कैंप लगाकर जो है राशन कार्ड का काम किया जाएगा मात्र दो दिन। यहाँ पर बिहार सरकार ने जो है यहाँ पर डेट के अनाउंसमेंट कर दी है। मात्र जो है यहाँ पर दो दिन जो है कैंप लगाकर राशन कार्ड का काम किया जाएगा। किस डेट को जो है किस डेट को किया जाएगा, सारा जानकारी को जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग को डिटेल में आप लोग को मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जो है आप लोग सारा जानकारी को जो है आप लोग डिटेल में जो है सुन पाएंगे। और अभी तक जो आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके हम सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लास्ट तक वीडियो पर जरूर बना रहिएगा। यहां पर जो है मैं सारा जानकारी को जो है आप लोगों को कंफर्म यहां पर बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए यहां पर आधार सिंडिंग के लिए चलेगा अभियान, यहां पर डेट और सारा का सारा जानकारी जो है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। एक और नोटिस जो है आप लोग को दिखाने वाला हूं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए जिले के सभी राशन कार्ड धारी और सदस्यों का आधार सिंडिंग करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए दो दिन अनाज का वितरण जो है स्थगित कर दिया जाएगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने मंगलवार को सूबे के सभी आयुक्त और डीएम को पत्र भेजकर आधार सिंडिंग सुनिश्चित कराने का जो है यहाँ पर निर्देश दिया है। कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को 100% बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कई ऐसे राशन कार्डधारी और परिवार के सदस्य हैं जिनका जो है आधार सिंडिंग नहीं हो पाया है। भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड पर अंकित सभी सदस्यों की आधार सिंडिंग के लिए 31 मार्च तक जो है का समय दिया गया है। सचिव ने कहा कि जन वितरण प्रणाली की दुकान में रखे पोस यंत्रों के माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों का जो है आधार सिंडिंग सुनिश्चित करना है। पोस मशीन में जो है संग्रहित आधार सदस्यों की विवरणी एमओ लॉगिंग और बाद में एसडीओ के लॉगिंग में जो है भेजा जाएगा। एसडीओ द्वारा जो है इसकी स्वीकृति दी जाएगी। विभाग द्वारा कहा गया है कि प्रथम चरण में जो है यहाँ पर 15 और 16 फरवरी को तथा दूसरे चरण में जो है यहाँ पर 24 और 25 फरवरी को जो है अनाज को जो है वितरण स्थगित कर दिया जाएगा, और यहाँ पर 15 और 16 फरवरी को जो है यहाँ पर कैंप लगाकर राशन कार्ड का जो है काम किया जाएगा। आने की जो है राशन कार्ड में आधार सिंडिंग का काम जो है किया जाएगा। सभी बिहार के सभी ग्राम पंचायत प्रखंड में जो है ये काम मात्र जो है यहाँ पर 2 से 4 दिन जो है होंगे। सचिव ने कहा है कि लाभु का 100% जो है यहाँ पर आधार सिंडिंग की जिम्मेदारी जो है एसडीओ एमओ एवं आपूर्ति निरीक्षक की जो है होगी। जिले में 5,45,000 से अधिक राशन कार्डधारी है, 7 लाख से जो है अधिक जो है सदस्यों का जो है आधार सिंडिंग करना है। यहाँ पर जो है आप लोग को बता दें तो 7 लाख से अधिक सदस्यों का जो है यहाँ पर आधार जो है राशन कार्ड में सिंडिंग नहीं हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फरवरी और मार्च महीने के अनाज का वितरण जो है मंगलवार से यहाँ पर शुरू कर दिया है। आप लोग चाहे तो अपने डीलर से जो है आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पर शुरू कर दिया गया है अनाज का वितरण आने की यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन बता देता हूँ। बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जो अभी तक जो है राशन कार्ड में आधार सिंडिंग का काम जो है यहाँ पर नहीं करवाया है। का जो है जिन जिन लाभार्थियों को जो है अभी तक राशन कार्ड में आधार सिंडिंग नहीं हुआ है, तो उन लाभार्थियों के लिए जो है यहाँ पर बिहार सरकार ने बहुत ही बड़ा जो यहाँ पर कदम उठाया है कि यहाँ पर जो है अब जो है आप लोग का ग्राम पंचायत प्रखंड में जो है यहाँ पर मात्र 2 से 4 दिन जो है यहाँ पर कैंप लगाया जाएगा। कैंप लगाकर जो है उसी में जो है जितने लाभार्थी जो है यहाँ पर आधार कार्ड जो है राशन कार्ड में सिंडिंग नहीं करवाए हैं, उन सभी लाभार्थियों का जो है यहाँ पर जो है मुफ्त में जो यहाँ पर
राशन कार्ड में आधार सिंडिंग का काम जो है किया जाएगा मात्र 2 दिन। यहाँ पर डेट भी यहाँ पर जारी कर दिया, जो डेट आप लोगों को मैंने बताया हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राष्ट्रीय खाद एवं सुरक्षा अधिनियम के अधीन लक्षित जन वितरण प्रणाली के लाभुकों के लिए आम सूचना। अब देखिए यहाँ पर आम सूचना देखिए यहाँ पर जारी किया गया है लाभार्थियों के लिए कि यहाँ पर राशन कार्ड पर जो है अंकित सभी पारिवारिक सदस्यों की आधार सिंडिंग अनिवार्य कर दी गई है। आप लोग को पता होंगे कि आप लोग को राशन कार्ड पर जितने मेंबर है, जितने मेंबर का नाम ऐड है, उन सभी मेंबर का नाम आधार कार्ड जो है राशन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। अन्यथा जिस मेंबर का राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं होंगे उसका राशन कार्ड से ऑलरेडी जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक राशन कार्ड से नाम जो है डिलीट हो जाएंगे और उन मेंबर का जो है आप लोग को राशन भी नहीं मिलेगा, बंद कर दिया जाएगा। या हो सकता है तो कुछ दिन के बाद जो है यहाँ पर राशन कार्ड को भी रद्द कर दिया जाएगा अगर जो है राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं करवाते हैं तो। यहाँ पर बिहार सरकार ने बहुत ही आसान कर दिया राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक करने के लिए। अब जो है यहाँ पर 31/3/2021 तक जिस राशन कार्ड के सभी सदस्यों की आधार सिंडिंग नहीं होगी उस राशन कार्ड को ब्लॉक करते हुए खाद्यान्न की आपूर्ति जो है रोक दी जाएगी। बिहार सरकार ने यहाँ पर नोटिफिकेशन साफ साफ जो है जारी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन कब का है, तो यहाँ पर ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये नोटिफिकेशन कब का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज ही के डेट में जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, आज बुधवार है 10 फरवरी 2021, यानी कि आज जो है 10 तारीख है। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को जो भी यहाँ पर जानकारी मिलेंगे इस चैनल पर सरकारी योजना पर यहाँ पर जो आप सही एवं सटीक जानकारी जो है दी जाती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर सभी राशन कार्डधारी अपने कार्ड पर अंकित सभी सदस्यों का जो है यहाँ पर निःशुल्क आधार सिंडिंग नज़दीकी जो है जन वितरण प्रणाली विक्रेता के यहाँ जो है उपलब्ध पौष यंत्र के माध्यम निम्नांकित समय सीमा तक जो है कराना सुनिश्चित करें। यहाँ पर जो आप लोग जो है अपना डीलर के पास से जो है यहाँ पर पौष मशीन से जो है आधार कार्ड जो है राशन कार्ड में लिंक करवा सकते हैं। यहाँ पर जो है ये काम जो है यहाँ पर 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में जो है 15 फरवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक जो है की जाएगी, यानी कि जो है 15 एवं 16 फरवरी को की जाएगी। और द्वितीय चरण की बात करें तो 24 एवं यहाँ पर 25 फरवरी को जो है की जाएगी। यहाँ पर मात्र जो है यहाँ पर 4 दिन जो है आप लोगों को ये काम होंगे राशन कार्ड का। आप लोग अपने ग्राम पंचायत प्रखंड में जो है यहाँ पर आप आधार कार्ड जो है राशन कार्ड में सेंडिंग करवा सकते हैं या अपने डीलर के पास से जो है करवा सकते हैं। या कैंप का आयोजन जो है 15 एवं 16 फरवरी को की जाएगी एवं 24 एवं 25 फरवरी को की जाएगी, मात्र जो यहाँ पर 4 दिन जो है की जाएगी। यदि किसी सदस्य की आधार सिंडिंग पूर्व में की गई है तो उन्हें दोबारा करने की जो यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, यानी कि जिसका हो गया है पहले जो है हो गया है आधार कार्ड राशन कार्ड में लिंक उसका कोई आवश्यकता जो यहाँ पर नहीं है। किसी जानकारी अथवा जो है समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जो है यहाँ पर दिया गया है, जो इस टोल फ्री नंबर पर जो है आप लोग को सिर्फ समय बर्बाद होगा। यहाँ पर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पर बात नहीं कर सकते, इस पर जब आप लोग कॉल कीजिएगा तो यहाँ पर बिजी बताएंगे, इस पर जो आप लोग का समय बर्बाद होंगे, दूसरा कुछ नहीं होगा इस नंबर पर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।